प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले के चैप्टर में अपन ने सर्किट के बारे में पढ़ा कि परिपथ क्या होता है, जाल क्या होता है, जाल के अंदर किस प्रकार से उसके अंदर सोर्स होते हैं, सोर्स के अलावा उसके अलावा सोर्स कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अपन ने थोड़ा बहुत उसमें पढ़ा कि क्या बोलते हैं उसे, प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा दो प्रकार की होती है। उसके बाद में हमने शाखा के बारे में पढ़ा, फिर उसके अंदर संधि या जो क्या बोलते हैं नोड होते हैं उसके बारे में पढ़ा, फिर किस प्रकार से एक सर्किट के अंदर पास या लूप होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब किसी भी सर्किट को सोल्व करने से पहले या उसको हल करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि किरचॉफ का नियम, ये अपन सभी लोग सभी बच्चे 12वीं के या 11वीं के अंदर पढ़ चुके हैं कि किरचॉफ का जो नियम है वो अपन सब जानते हैं, तो उसको अपन थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट नियम और किरचॉफ का सेकंड नियम। जो प्रथम नियम कहलाता है वो किरचॉफ का धारा का नियम कहलाता है, जो कि किसे कहते हैं, किरचॉफ का जो फर्स्ट वाला है धारा का नियम कहलाता है, और ये किसके ऊपर होता है, डिपेंड करता है विद्युत धाराओं के बीज योग के बराबर होता है तथा इसमें आवेश का संरक्षण होता है और समेशन साइन इक्वल टू जीरो होता है। और दूसरा प्रकार का नियम कहलाता है वो कहलाता है द्वितीय नियम, जिसे हम वोल्टा का नियम भी कहते हैं, और इसमें ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है, इसमें ऊर्जा का संरक्षण होता है, जिसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। तो सबसे पहले इस नियम को सन 1842 में जर्मन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने दो नियम दिए थे विद्युत जाल को हल करने के लिए, कि मेरे पास एक सर्किट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट आएगा उसको मैं सोल्व कर लूँ, तो सोल्व किस प्रकार से करूँ, तो उसके लिए उसने सबसे पहले दो नियम दिए। पहला जो नियम था वो था किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ के धारा का नियम। इस नियम के अनुसार क्या था, इस नियम के अनुसार था कि किसी विद्युत परिपथ अथवा जाल के संधि बिंदु अपन पहले कर चुके हैं कि जो भी जो क्या बोलते हैं शाखा उस पर आके जुड़ेगी, दो या दो से अधिक शाखाएं जब जिस पॉइंट पे आके जुड़ती हैं उसे मैं संधि कहता हूँ। तो किसी विद्युत परिपथ अथवा जाल के संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजीय गणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, इसे मैं कहूँगा धारा का नियम कहूँगा। किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आवेश संरक्षण के नियम के तुल्य होता है, कि आवेश का जो है इसमें संरक्षण होता है और आवेश संरक्षण के नियम के ये तुल्य होता है कि इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। अर्थात परिपथ के किसी भी बिंदु पर आवेश का संचय नहीं होता, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो कंजर्व नहीं होती है। तो चित्र इसके अनुसार जो चित्र ये है इसके अनुसार यदि अपन देखें तो बिंदु ओ ही है, जिसे मैंने क्या कहा नोड पर आने वाली धाराओं का धनात्मक तथा इस नोड से बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। मतलब जो इस बिंदु के अंदर आएंगी धाराएं वो तो धनात्मक होंगी और जो इससे बाहर जाएंगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो इस सर्किट में देखिए कि करंट की डायरेक्शन देखे अपन, मैं किसी भी सर्किट में दिखाते हैं कि धारा किस हिसाब से बह रही है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ उस पर एरो लगा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जो सर्किट धारा I1 है वो इस नोड की तरफ अंदर की तरफ जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, अंदर की तरफ जा रही है तो ये धनात्मक धारा होगी, ठीक है। इसी प्रकार से करंट I2 को देखें तो ये करंट I2 भी अंदर की तरफ जा रही है ना, तो ये भी धारा क्या होगी, धनात्मक होगी। इसी प्रकार से देखिए धारा I3 की करंट के डायरेक्शन बाहर के साइड में, ये बाहर की तरफ है, इसलिए इसका मान क्या होगा, ये ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार से मैं I4 की बात करूँ तो I4 में भी करंट के डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि इसमें धारा जो बाहर निकल रही है इसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार से मैं करंट I5 की बात करूँ तो I5 में भी क्या होगा, ये करंट के डायरेक्शन बाहर की तरफ दिखा रहा है, जिससे ये शो हो रहा है कि ये जो करंट की डायरेक्शन बाहर जा रही है ये भी नेगेटिव होगी। तो अपने पास इस सर्किट के अकॉर्डिंग देखें तो आने वाली धारा कौन कौन सी है, I1, I2, और बाहर जाने वाली धारा कौन सी है, I3, I4 एंड I5। अंदर आने वाली धारा I1 और I2,
आई वन प्लस आई टू बाहर जा रही है, वो धारा कौन कौन सी कहलाएगी, आई थ्री आई फोर आई फाइव, इसलिए माइनस आई थ्री माइनस आई फोर माइनस का आई फाइव इक्वल टू जीरो। अर्थात कहने का मतलब है कि इस नोड के अंदर आने वाली धारा तथा बाहर की ओर जाने वाली धाराओं का योग हमेशा शून्य होता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि समेशन आई इक्वल टू जीरो। इस समीकरण में मैं सोल्व करूँ तो इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर प्लस में आई फाइव होगा। ये कौन सा नियम है, किरचॉफ का धारा का नियम कहलाएगा, किरचॉफ का पर्थ नियम कहलाएगा, और इसके अनुसार ये क्या कहलाता है, एक तरीके से आवेश संरक्षण का नियम भी कहलाता है। और आवेश संरक्षण के नियम में क्या होता है, आवेश संरक्षण के नियम में क्या होता है कि आवेश किसी भी पॉइंट के ऊपर कंजर्व नहीं रहती है, ये अपन पहले भी समझा चुके हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट दूसरा जो किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का जो सेकंड नियम है, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम कहलाएगा, उसे हम द्वितीय नियम भी कह सकते हैं या वोल्टा का नियम भी कहेंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ या और वोल्टेज लॉ, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ के बंद पाथ में निश्चित दिशाओं में चलते हुए वोल्टाओं का बीजीय योग शून्य होता है। उसमें किरचॉफ के फर्स्ट नियम में क्या था, धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, इसमें वोल्टाओं का बीजीय योग शून्य होता है। और ये नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, अर्थात इसमें एनर्जी कंजर्व होती है। और इसके अनुसार ये मेरे पास चित्र प्राप्त है, इस चित्र में क्या होगा, देखिए कि दो मेरे पास वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स तो एक E1 है और दूसरा वोल्टेज सोर्स मेरे पास E2 है। E1 वोल्टेज जो सोर्स है वो प्लस है और नीचे वाला माइनस हो गया, इसी प्रकार से प्लस और माइनस हो गया, तो E1 तो नेगेटिव होगा और E2 की जो दिशा होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इसमें दो वोल्टेज सोर्स मैंने क्या लिया है, V1 और V2 ले रहा हूँ, ठीक है, दो वोल्टेज सोर्स V1 और V2 ले रहा हूँ। और इसमें बहने वाली करंट क्या होती है, बहने वाली करंट इसमें I होती है, धारा I। इसलिए जो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाएगा तो उसके अनुसार जो मेरे पास तो टोटल वोल्टेज है उसका मान और प्लस में उसमें जो वोल्टेज सोर्स अपने लगाया उन सब का मान शून्य के बराबर होता है। अर्थात मैंने क्या कहा ना, वोल्टाओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो इस पे जो वोल्टेज होगी V1 प्लस V2 होगी, इन पॉइंटों के ऊपर जो प्रतिरोध लगा रखे हैं। इसी प्रकार से इसके ऊपर वोल्टेज E1 होगी, इसके ऊपर वोल्टेज E2 होगी। अब दीजिए E2 को तो मैंने प्लस में कह दिया, E1 का मैंने माइनस कह दिया, इसलिए इस टोटल सर्किट के अंदर, इस टोटल सर्किट के अंदर टोटल जो वोल्टेज प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी V1 प्लस V2 प्लस E2 माइनस का E1 इक्वल टू जीरो। अर्थात इसका मान जीरो के बराबर होता है। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूँ कि V1 प्लस V2 बराबर क्या होता है, E1 माइनस का E2। तो E2 माइनस का E1 की वैल्यू उधर चली गई तो मेरे पास E1 माइनस का E2 आ गया। तो इसे मैं ये कह सकता हूँ कि समेशंस ओवर V इज इक्वल टू समेशंस ओवर IR। ओम का नियम सबने पढ़ा है, ओम का नियम क्या है, वी बराबर आई आर, अर्थात वोल्टेज का मान करंट और प्रतिरोध जो आता है उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर क्या होता है, वी होता है। इसलिए समेशंस वी इज इक्वल टू मैं कहूँगा समेशंस आई आर। और इस समेशंस वी का मान इस समीकरण के अनुसार देखिए, V1 प्लस V2 को तो मैं समेशंस वी कहूँगा, इसी प्रकार से E1 माइनस E2 को मैं क्या कहूँगा, समेशंस ओवर ई कहूँगा। तो इस प्रकार से समेशंस वोल्टेज का मान है, जो वोल्टेज जो मेरे पास समेशंस ओवर ई के बराबर हो गई। और इसमें एनर्जी का, एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, किसी भी पॉइंट पर एनर्जी है जो कंजर्व मतलब ऊर्जा संरक्षित इसमें रहती है। और ये मेरे पास किरचॉफ का सेकंड नियम कहलाएगा, जिसे मैं क्या कह सकता हूँ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। तो इन दोनों नियमों के सहायता से हम किसी भी सर्किट को सोल्व कर सकते हैं। ये परिपथ जो मेरे पास बना, उस परिपथ को मैं, उसमें वोल्टेज या धारा का मान मेरे को निकालना है, तो वह मैं दोनों प्रमेय की यूज करते हुए इनको अपन कर सकते हैं। तो 11वीं 12वीं में अपन ने किरचॉफ का फर्स्ट और सेकंड नियम अपन लोगों ने पढ़ा है, तो उस चैप्टर को अपन दोबारा देखेंगे तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा। बस दो चीज़ें करनी है कि फर्स्ट में तो क्या होता है कि धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, और इसमें सेकंड नियम जहाँ वोल्टा की बात कर रहे हैं उसमें वोल्टाओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो इस तरीके से हम इसमें थोड़ा सा ओम का नियम, जो अपने पास है ओम का नियम है, उसके बारे में ध्यान रखना है, V बराबर में IR होता है।
और एक चीज ध्यान रखनी है कि करंट की डायरेक्शन किस हिसाब से अपने को रखनी है। यदि करंट बाहर किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस से माइनस की ओर कहलाएगा। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम किरचॉफ के फर्स्ट और सेकंड नियम को यूज करते हुए किसी भी परिपथ को सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उस नेक्स्ट चैप्टर में अपन थोड़ा सा इन दोनों जो नियम है किरचॉफ का, धारा का नियम और वोल्टा का नियम, उनको यूज करते हुए मैं है जो मतलब उसके जो पास और जो मेरे पास जो जाल बना उसकी मैं स्टडी करूंगा। और फिर उसके बाद में आप उसके बाद में उसके थ्योरम पढ़ेंगे कि जहाँ पे किरचॉफ के नियम काम में नहीं लिए जाते, ये धारा का किरचॉफ का फर्स्ट और सेकंड नियम जहाँ खत्म हो जाता है, वो काम नहीं आ रहा और कॉम्प्लिकेटेड है वो सर्किट को सोल्व करना, तो उस सर्किट को सोल्व करने के लिए फिर मैंने कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स के द्वारा अपन उन सर्किटों को सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।